छत्तीसगढ़ नए साल के साथ चुनावी साल में कदम रख चुका है। बीजेपी ने तो पिछले साल ही बड़े बड़े आंदोलन कर चुनाव में उतरने का ऐलान कर दिया है और कांग्रेस ने नए साल की शुरुआत शक्ति प्रदर्शन से की है। देखिए इस रिपोर्ट में। आरक्षण संशोधन बिल को पारित हुए महीने भर बीत जाने के बावजूद इस पर राज्यपाल द्वारा दस्तखत नहीं किए जाने को लेकर सियासी बवाल जारी है। कांग्रेस ने राजधानी रायपुर में अब तक राज्यपाल द्वारा हस्ताक्षर नहीं किए जाने के विरोध में जन अधिकार महारैली का आयोजन किया। इसमें एससी एसटी और ओबीसी जुड़े सभी समाजों के प्रमुखों को जोड़ने का प्रयास किया गया। वहीं आरक्षण संशोधन विधेयक में विलंब को बीजेपी का षड्यंत्र बताया। वहीं बीजेपी ने इसे राजभवन का अपमान बताया। दरअसल 2 दिसंबर को विधानसभा से आरक्षण विधेयक राजभवन भेजा गया था। अब तक राज्यपाल ने हस्ताक्षर नहीं किए हैं और इसी का विरोध जताने कांग्रेस ने जन अधिकार रैली का आयोजन किया। रायपुर साइंस कॉलेज ग्राउंड में जन अधिकार रैली का आयोजन किया गया। कांग्रेस ने इस रैली में 1,00,000 लोगों के जुटने का दावा किया है। कांग्रेस का आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी राजभवन की आड़ में राजनीति कर रही है। सीएम भूपेश बघेल ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि संविधान का पालन नहीं हो रहा है, इसलिए ये रैली की जा रही है। बीजेपी राजभवन को राजनीति के अखाड़ा बना रही है। वहीं आरक्षण बिल को लेकर पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि सरकार ये बताने में असफल है कि क्वांटिफाइबल डेटा आयोग के आंकड़े सदन में क्यों नहीं पेश किया गया। भारतीय जनता पार्टी राजभवन के राजभवन में राजनीति का अखाड़ा बना कर रखे और ये जो अधिकार आपको मिलना चाहिए उन्हें रुकावट डाले काम कर रखे। भारतीय जनता पार्टी की स्टेटमेंट आते हैं उनके कार्यालय से जो विज्ञप्ति जारी होता है उसी प्रकार राजभवन से भी विज्ञप्ति जारी होता है, तो लोगों को संशय है कि राजभवन भारतीय जनता पार्टी के दबाव में शायद हस्ताक्षर कर पाने के लिए अपने को असमर्थ पा रही है। तो गवर्नर के पास ये अधिकार है कि अपने स्वविवेक से और तकनीकी दृष्टि से जो उपयोगी है उसको काम करे, मगर जिस प्रकार रैली निकालकर विरोध प्रकट हो रहा है शायद हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार है कि सत्ता पक्ष के लोग इस प्रकार के आंदोलन में लगे हुए हैं। बहरहाल देखना होगा कि कांग्रेस की इस महारैली का राजभवन पर कितना असर पड़ता है। क्या राज्यपाल आरक्षण संशोधन बिल पर हस्ताक्षर कर इस मामले का पटाक्षेप करती हैं या फिर कांग्रेस को और आंदोलन कर 2023 के चुनाव में इस मुद्दे को भुनाने का अवसर प्रदान करती है। दिलीप साहू, स्वराज एक्सप्रेस, रायपुर।